हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिप्लेस। ठीक है, पिछले क्लास में हमने डिस्कशन कर दिया था रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं हमारा ड्यू टू बेंजीन रिप्लेस। OH ग्रुप क्या है? OH ग्रुप हमारा ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है। इट ऑर्थो पारा डायरेक्टिव, ठीक है। इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसको एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं क्या करता है फिनोल। OH ग्रुप क्या है? ये एक प्लस एम ग्रुप है, ठीक है, प्लस एम ग्रुप है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉबिंग, इलेक्ट्रॉन लॉबिंग। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉबिंग। और OH ग्रुप क्या है हमारा? और ये प्लस एम ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? इस रिंग हमारा जितना रिच इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जितना रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है, उतना फास्टर ये रिएक्शन होगा, ठीक है। एक्टिवेट माने, एक्टिवेट का मतलब क्या है? इसका रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराना, ठीक है। नॉर्मल जितना था बेंजीन का, उसका रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराना ही बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। बेंजीन का रेट ऑफ रिएक्शन, बेंजीन का रिएक्टिविटी जितना था, अगर कोई ग्रुप इसका रिएक्टिविटी को इससे ज्यादा बनाता है, मतलब नॉर्मल बेंजीन से मान लो इसमें कोई ग्रुप एक्स लगा दिया, ठीक है, हैलोजन नहीं, मतलब कुछ ग्रुप एक्स लगा दिया, ठीक है, और इस ग्रुप का रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा हो गया, तो इस एक्स ग्रुप को क्या, इस रिएक्शन का टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जब इस ग्रुप लगा दिया, इस होल कंपाउंड का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से ज्यादा होगा, तब इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। पहले अच्छे से समझो, एक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं, और हमने क्या लिया? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रो लॉबिंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? जितना बेंजीन रिंग, जितना ज्यादा, ऐसे तो बेंजीन रिंग क्या है, रिच इन इलेक्ट्रॉन है, ऊपर इसका ऊपर एंड इसका नीचे क्या है, एबव एंड बिलो क्या रह रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है, बेंजीन एक सैंडविच जैसा हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको पता है या नहीं है? देखो मैंने इसको जब हाइड्रोकार्बन डिस्कशन किया था तब अच्छे से डिस्कशन किया था, बेंजीन का ऊपर एंड नीचे एक सैंडविच तरह रहता है, ठीक है। सैंडविच का क्या, ऊपर रहता है, बीच में रहता है, और हमारा ऊपर रहता है, नीचे रहता है, बीच में क्या रहता है, मसाला रहता है, ठीक है। बेंजीन लाइक है मसाला, ठीक है। ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेंजीन बीच में रहता है, जैसे इसका मसाला टाइप का, सैंडविच का मसाला टाइप का बेंजीन हो जाता है, ठीक है। और बात समझ में आ गया होगा, देखो ये ऐसे यहां बैक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हुआ, ठीक है, ये ऊपर रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका नीचे आएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा होता है हमारा बेंजीन। तो इससे समझा, बेंजीन एक रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगा, ठीक है। अब बात आता है हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में। एक होता है हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप, फिर डिस्कशन करेंगे, नहीं तो मैं पढ़ा के चला जाऊंगा OH ग्रुप और तो पढ़ा डायरेक्टिंग, ये एक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग, क्या सारे एक्टिवेटिंग क्या है पता नहीं है, तो डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग के क्या मतलब है, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। थोड़ा आपको पता होगा तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। अगर अच्छे से पता है तो थोड़ा स्किप करके आगे जा सकते हो आप। तो एक आता है एक्टिवेटिंग, एक आता है डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। और बात आता है एक्टिवेटिंग क्या, मान लो कोई ग्रुप है एक्स, हैलोजन नहीं, या एक्स मतलब कोई और है, ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है, कोई ग्रुप है वाई, मान लो मैंने वाई लगा दिया, ठीक है। और ये था बेंजीन, बेंजीन था, कोई ग्रुप आया वाई, ठीक है, उसके साथ अटैच कर दिया। और अब अगर ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये वाई डेरिवेटिव वाला कंपाउंड का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल अगर बेंजीन से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को, इस वाई ग्रुप क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये वाई ग्रुप क्या हो गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये कब होगा, देखो बेंजीन है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो अब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, इसका रिएक्टिविटी, ठीक है, उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो वाई एक प्लस एम ग्रुप होना चाहिए, प्लस एम, और इसको आप बोल सकते हैं प्लस आर, ठीक है, या प्लस आई ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप होना चाहिए, तो कहने का मतलब प्लस एम और प्लस आर और प्लस आई ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो
प्लस एम और प्लस आर ग्रुप ज्यादा होगा, ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग एंड प्लस आई क्या होगा वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है, लेकिन वो एक्टिविटी ग्रुप होगा क्योंकि बेंजीन से रिएक्टिविटी इंक्रीज करा देंगे। तो वाई अगर ये अगर प्लस एम और प्लस आर और माइनस सॉरी प्लस आई ग्रुप वाला हो गया तो ये क्या होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बेंजीन का रिएक्टिविटी को मतलब क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करा देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करा देगा क्या, तो क्या होगा बेंजीन का रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। अगर बेंजीन का रिएक्टिविटी बढ़ गया तो क्या होगा, ये हो गया हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया सबको। अब देखते ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग कैसे होगा भाई, ठीक है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग देखो इनके पास जनरली प्लस एम और प्लस आई ग्रुप के पास क्या होगा लोन पेयर होगा, इधर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, लोन पेयर होगा तो ये क्या होगा रेजोनेंस होगा, तो ऐसे होगा तो हमारा क्या होगा प्लस हमारा जो देखो इतना तक समझ में आ गया सबको, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में समझ में आ गया जो बेंजीन का रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ये हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या बेंजीन का क्या हमारा बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराना है, तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के बेंजीन का रिएक्टिविटी को इंक्रीज करा सकता है उसको हम बोलेंगे बेंजीन का एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और पहले बात कर लेते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में, फिर देखते हैं ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग कैसे हुआ और मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। देन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, मान लो कोई ग्रुप लगा दिया मैंने, यहां तक समझ में आ गया, इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे, समझ में आ गया। देखो अब देखते मान लो कोई ग्रुप है, ये था हमारा बेंजीन बाबा, ठीक है, इसके पास कोई ग्रुप ना उज्जैन नाम का एक ग्रुप आया, ठीक है, ये क्या क्या जब ये अटैच हो गया बेंजीन का जो बेंजीन का रिएक्टिविटी था टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ये ज्यादा होगा, मतलब इस होल कंपाउंड का रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गया बेंजीन का रिएक्टिविटी, ठीक है, तो ये जेड ग्रुप लगने की वजह से इस होल कंपाउंड का रिएक्टिविटी बेंजीन से लेस हो गया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो जेड नाम का ग्रुप था ये क्या हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब रिएक्टिविटी को डीएक्टिव डीएक्टिवेटिंग मतलब रिएक्टिविटी को डिक्रीजेस रिएक्टिविटी, ठीक है। अगर समझ में नहीं है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स मतलब ये इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब डिक्रीजेस रिएक्टिविटी। तो ये जेड ग्रुप जब अटैच हुआ इसका रिएक्टिविटी बेंजीन से डिक्रीज होगा, और हम कंपेयर किसके साथ करते हैं बेंजीन के साथ, बेंजीन को एज ए रेफरेंस लेते हैं ग्रुप लगाते हैं, अगर बेंजीन से उस ग्रुप वाला कंपाउंड का रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गया तो उसको बोलते हैं कोई स्पेसिफाइड रिएजेंट के लिए, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हुआ उसका रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड कोई ग्रुप अगर रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया बेंजीन से तो उसको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कब आएगा, देखो क्या जब बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो डिक्रीज करेगा वही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी वही डिक्रीज करेगा। तो अब ये कौन करता है ऐसा काम, ऐसा काम करता है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा काम करते हैं मतलब माइनस आर और माइनस एम बोल सकते हैं और माइनस आई, ये भाई सब वगैरह हमारा क्या करते हैं यही लोग हमारा इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं अपने तरफ से, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इतना तक सबको समझ में आ गया एक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल है तो उसके लिए हमारा प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या रोल अदा करता है, ठीक है, क्या रोल प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है एक्टिवेटिंग ग्रुप का रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग रोल का एक्टिवेटिंग रोल प्ले करता है, एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है डीएक्टिवेटिंग रोल प्ले करते हैं। तो जो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, और ये जो डीएक्टिवेटिंग में क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है। इसको ऐसे समझो ना, मान लो आपका एक एनजीओ चल रहा है, ठीक है, आप गरीब लोगों को मतलब गरीब जो गरीब बच्चा होता है गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका एजुकेशन उनका हेल्थ हेल्थ ट्रीटमेंट वगैरह सब करता है, ठीक है।
तो जरूरतमंद को आप, अगर हम समराइज करके बोलेंगे, आप जरूरतमंद को हेल्प करते हो, ठीक है, फ्री में हेल्प करते हो, आप एनजीओ चला रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई, मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन आया, आपको 100 करोड़ डोनेट कर दिया, तो अब आप ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद को हेल्प कर सकते हो। मतलब वो क्या किया, वो जो पैसा दिया, मतलब वो जब आया आपके पास, क्या वो आपके साथ मिल गया, ठीक है, मान लो आपको पैसा नहीं दिया, आपके साथ मिल गया, ठीक है, और उसके पास बहुत पैसा है, तो अब क्या करेगा वो, ये आपका क्या करेगा, आपका जो चैरिटी चला रहे हो, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो आपका हेल्प करने का या डोनेट करने का या जरूरतमंद को हेल्प करने का जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको वो आदमी तो आपके लिए क्या हो गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है, हुआ या नहीं हुआ, हाँ जी सर। लेकिन कोई आपका आपके पास आया, थोड़ा वो थोड़ा मतलब क्या था, थोड़ा चीटो टाइप का था, ठीक है, वो आपसे मिला तो मिला, लेकिन आपका पैसा लेना शुरू किया, ठीक है, आपसे चुरी छुपे पैसा चुरी करना शुरू किया, वो आपका पैसा कुछ भी बहाना बना के लेना शुरू किया, ठीक है, तो आपका जो चैरिटी का जो फंड था वो धीरे धीरे कम करना वो शुरू किया, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अब आपका जो रेट ऑफ हेल्प, ठीक है, जरूरतमंद को, वो थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो वो इंसान क्या किया, जो सेकंड इंसान था क्या किया, ये आपको डीएक्टिवेट किया, ठीक है। पहला इंसान क्या किया था, आपका देने का रिएक्टिविटी मतलब देने का रेट को इंक्रीज किया था, ठीक है, सेकंड देने का रेट को डिक्रीज किया, तो सेकंड वाला क्या हुआ, आपके लिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, ठीक है। पहला वाला क्या हुआ, आपके लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, मान लो आपने आपको गर्लफ्रेंड को लेकर जाना है, ये मजा आएगा ना, आपका गर्लफ्रेंड को लेकर आपको रेस्टोरेंट में जाना है, ठीक है, कोई दोस्त आया आपके पास, बोला भाई कहाँ जा रहे हैं ना, थोड़ा रेस्टोरेंट जा रहा है, कौन सा रेस्टोरेंट, ये जो गली में है ना, पिछले गली में, वहां जा रहा, अरे क्या वहां क्यों जा रहा है, ले पैसा मैं दे रहा हूँ, ठीक है, चले जा। तो पैसा जो मिल गया आप क्या जा पाओगे, 5 स्टार में जा पाओगे, ठीक है। तो आपका जो दोस्त था वो क्या काम किया, कैसा काम किया, आपके लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम किया, क्योंकि आपको वो ज्यादा पैसा दिया, आप अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए, ठीक है, आपका थोड़ा ये बढ़ गया, आपका गर्लफ्रेंड थोड़ा ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, अरे कितना पैसा वाला है भाई, ये मुझे इतना बड़ा रेस्टोरेंट में खिला रहा है, ठीक है, हो गया। लेकिन कोई सेकंड केस में कंसिडर करो, कोई और एक दोस्त आ गया, आप जा रहे थे, ठीक है, ये बोला भाई कहा जा रहा है, मुझे थोड़ा 1000 रुपया चाहिए, ठीक है, और आपका आपका बजट में से मान लो 1500 है, ठीक है, उसमें बोलेगा भाई मुझे 700-800 एटलीस्ट दे दे, ठीक है, आप दे दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आप जिस होस्ट मतलब जो थोड़ा मतलब ऐसे रेस्टोरेंट में जाने वाला था वहां पे भी नहीं जा पाओगे, फिर वहां रोड साइड ठेले पर जाओगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम किया, ठीक है, पहला वाला दोस्त अच्छा अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो आप जा रहे थे गोली वाले रेस्टोरेंट में, आपको पैसा इतना दिया कि आप 5 स्टार में चले गए, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला आया, आप जा रहे थे गली वाले रेस्टोरेंट में, लेकिन आपको क्या किया, आपसे पैसा इतना ब्लैकमेल किया, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके पैसा ले गया, आप अब कहाँ चले, आपको जाना पड़ रहा है कोई रोड साइड ढाबा में, ठीक है, या रोड साइड जो ठेला लगता है वहां पे जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या किया, सेकंड वाला डीएक्टिवेट किया, पहला वाला एक्टिवेट किया। तो समझ में आ गया इतना तक, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या हुआ, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, ठीक है।